नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों जो नए हैं मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना, और जो ऑलरेडी लाइक सब्सक्राइब किए हैं मेरा वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों देखिए, हम लोग कुकड़ी मैया के द्वार पे पहुंच गए हैं। अभी आपको कुकड़ी मैया जी का दर्शन कराएंगे। दोस्तों आइए चलते हैं कुकड़ी मैया के दर्शन के लिए। दोस्तों यहाँ से उनका नज़दीकी सरहद में पहुंच गए। दोस्तों ये देखिए, सब लोग अपना अपना वीडियो में बनाने पे लगे हैं। दोस्तों ये देख सकते हो आप। चलो दोस्तों चलते हैं दर्शन करते हुए। ये देखिए, चलिए दोस्तों अभी चलते हैं। आप देखिए मेरा नज़ारा कैसा दिख रहा है। दोस्तों आप मेरा वीडियो को थोड़ा के स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप मंदिर का दृश्य और अपना उत्तराखंड का दृश्य, सुंदर दृश्य छूट जाएगा आपसे। ये देखिए दोस्तों कितना सुंदर दृश्य आप देख सकते हो। आप कमेंट्स में बताना आप लोग को कैसा लग रहा है। दोस्तों ये देखो दोस्तों, हम लोग स्वर्ग में पहुंच गए। दोस्तों इधर से ऐसा नैनाभराम दृश्य लग रहा है, दोस्तों क्या बताऊं आपको। अब कुछ ही पलों में हम लोग कुकड़ी मैया के दर्शन करेंगे। दोस्तों पहला ये ऐसा रूट नहीं था। ये रूट अभी फिलहाल 4-5 सालों में बना है। पहले नहीं तो दोस्तों एकदम सादा रूट थे। देखिए दोस्तों, आप लोग देख सकते हो मंदिर का उधर थोड़ा सा भाग दिख रहा है। दोस्तों आप देख सकते हो, दोस्तों ये है पानी लेने के लिए। उधर कम से कम यहाँ से आधा पौना किलोमीटर नीचे जाना पड़ता है दोस्तों पानी लेने के लिए। ये देखिए ठेठ चढ़ाई है, इस चढ़ाई में हम लोग का बस की बात नहीं है। दोस्तों ये है लिखा है पानी का रास्ता। दोस्तों ये देखिए, आप देख सकते हो पानी का रास्ता है। ये देखिए दोस्तों, आप लोग कमेंट्स में बताइए आप लोग को कैसा लग रहा है यहाँ का सुंदर दृश्य। देखिए दोस्तों मंदिर में से आवाज आ रहा है, कुछ भजन भजन चालू है। दोस्तों ये देखिए दोस्तों, है ना, देखिए दोस्तों ये देखो दोस्तों पहाड़ कैसा दिख रहा है। दोस्तों आप देख लीजिएगा कितना सुंदर मस्त है। ये देखो दोस्तों कितना मजा आ रहा है, और कितने हवा चल रही है। दोस्तों आप देख सकते हो, ये देखिए, ये है कैप्टन कुक की टोपी। कैप्टन कुक है, आप देख सकते हो कितना मस्त है। ये देखो दोस्तों, आप देख सकते हो, या आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा या दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, क्योंकि सामने पहाड़ पर्वत माला है। देखिए दोस्तों कितना सुंदर दिख रहे हैं, पर क्या करें, आजकल पहाड़ में पहला आग लगा था तो उसके वजह से धुंध जैसा छाया हुआ है। दोस्तों हम लोग देखिए वहां से आए हैं, वो नीचे पर वो दिख रहा है आपको, खेत गांव जैसा दिख रहा है। दोस्तों उधर से आए हैं, दोस्तों उधर से हम लोग ने आधा रास्ते तक वहां तक हम लोग गाड़ी में आए, और यदि दोस्तों हम लोग आना था तो हमको यहां से पैदल आना चाहिए था। तो दोस्तों
हमको हिम्मत नहीं थी इतना बड़ा पहाड़ चढ़ने की, इसके वजह से हम लोग ऐसे ही आए। जय बद्री शाह। ये देखो दोस्तों, ये देखो दोस्तों, वो जा, वो देखो दोस्तों, हम लोग गाड़ी में आने के बाद भी हम लोग अभी तक पहुंच नहीं पाए, और देख ले हमारे भाई लोग हमारे बाद चलते हुए भी यहाँ पहुंच गए दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, वो हमारा भाई इतना जल्दी पहुंच गया है मालूम ही नहीं, और हम लोग अभी तक गाड़ी में आने के बाद भी हम लोग इतना जल्दी नहीं पहुंच पाए। ये देखो दोस्तों, ये हमारा भाई इतना जल्दी पहुंच गया। ये देखो दोस्तों, हमारे बाद ये लोग आए और हम आधा रास्ते तक गाड़ी आने के बाद भी हम लोग इनके बाद ही पहुंचे। दोस्तों इतना मस्त सुंदर हवा चल रही है। ओ दाजू, वो देखियो हमारा भाई लोग, क्या मालूम किसने नीचे जा रहे हैं मालूम नहीं, वो इतने ठंड में भी वो लोग बनियान में घूम रहे हैं। दोस्तों आप देख सकते हो, ये भाई लोग हमारे बाद निकले आधा गाड़ी में आने के बाद भी। ये देखिए दोस्तों, और हम लोग पहुंच गए अभी। ये देखिए दोस्तों, सामने आप दिख रहा होगा दोस्तों, वो है कुकड़ी मैया की जय। कुकड़ी मैया के पास पहुंच गए दोस्तों। आप देखिए, आप अनुमानित लगाइए, ये यहाँ का नैनावरम दृश्य दोस्तों। ये देखो, ये देखिए दोस्तों, कितना सुंदर। हाँ दोस्तों, अभी हम लोग मंदिर में पहुंच गए हैं, हमारी तपस्या सफल हो गई दोस्तों। ऐसे बहुत से लोग आने की कोशिश करते हैं, पर आने के लिए उनको बहुत ही कष्ट होता है दोस्तों। हम लोग को मालूम ही नहीं पड़ा हम कैसे पहुंच गए इधर, क्योंकि ये समुन्द्र तल से 36,000 फीट के ऊपर में है दोस्तों, समुन्द्र तल से। ये देखिए दोस्तों, वो देखिए बद्री, वो देखिए कुकड़ी मैया की जय हो। दोस्तों जब ये बन रहा है, जब तक नहीं बना था उसके पहले मैं आया था दोस्तों, अभी एक द्वार बनाया गया है दोस्तों। ये है, ये इस द्वार में मैं लास्ट ईयर भी आया था, पर इसके निर्माण के समय मैं नहीं था दोस्तों, बॉम्बे में था इसके लिए नहीं था। ये देखो दोस्तों, ये आप देख सकते हो, ये सन 2022 में ये बनाया गया था दोस्तों। ये देखिए, ये पार्वती देवी परिहार, गोविंद सिंह परिहार, मोस्ट गांव वालों ने दिया दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये दोस्तों, जब ये निर्माण कर रहे थे दोस्तों, इसमें मैंने भी सहयोग किया था, श्रम दान। देखिए दोस्तों, ये मेरे हाथों से भी इसमें बनाने में मेरा भी हाथ लगा हुआ है दोस्तों इसमें। और दोस्तों ये हमारा मोहन भाई ने फर्स्ट ये घंटी दान दी थी इधर, उनके उपलक्ष में ये घंटी दिया गया है दोस्तों। ये घंटी, ये देखिए दोस्तों, ये है मंदिर का दृश्य, आपको थोड़ा टाइम में बताता हूँ दोस्तों मंदिर का। ये देखिए दोस्तों, चलो बाय, ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो आपको मैं पूरा दर्शन कराऊंगा दोस्तों। बाय, सी यू, मिलते हैं। ये देखो दोस्तों, वो सामने आप देख सकते हो हिमालय पर्वत भी है दोस्तों। आइए आपको थोड़ा बाहर का दृश्य बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों,
दोस्तों ये देखिए दोस्तों, ये देखिए नीचे गांव दिख रहा होगा दोस्तों आप लोग को, क्या मालूम धुंध के वजह से हो सकता है आप लोग ने देख पाए हो। और वहाँ चोटी में दोस्तों हिमालय पर्वत दिखता है यहाँ से, पर धुंध के वजह से आप लोग नहीं देख पा रहे हो। यदि आप यहाँ आओगे तो प्रत्यक्ष अपने आँखों से ज़रूर देख सकते हो दोस्तों, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है पर दोस्तों आप महसूस नहीं कर पाओगे। ये देखिए दोस्तों ये साइड में हमारा गांव पड़ता है, नीचे इसी के जड़ में, इस पहाड़ के जड़ में चोटी में यही कुकड़ी मैया बसा हुआ है दोस्तों ये आश्रम है नानतीन बाबा आश्रम। दोस्तों इनकी भी बहुत बड़ी स्टोरी है, आप गूगल में चेक कर सकते हो नानतीन बाबा आश्रम के बारे में, नानतीन बाबा के बारे में दोस्तों। ये देखिए, चलो दोस्तों बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरा वीडियो जरूर देखिए, बाय बाय, सी यू।